झुंझुनू में राशन डीलरों की प्रदेश व्यापी आह्वान पर 30,000 रुपए मानदेय देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। राशन डीलरों की हड़ताल के चलते अगस्त माह के राशन के गेहूं का वितरण शुरू नहीं हो पाया है। हड़ताल के चलते जिले में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े 3,17,855 परिवार अभी गेहूं वितरण होने का इंतजार कर रहे हैं। बारचड़ावा उपखंड के राशन डीलरों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। राशन डीलर सरजीत सिंह ने बताया कि राशन डीलरों ने प्रतिमा 30,000 रुपए मानदेय 2% छीजात का प्रावधान रखने, बकाया कमीशन दिलवाने की मांग की और डीलरों ने डोर स्टेप डिलीवरी का बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि सरकार डोर स्टेप डिलीवरी 3400 करोड़ रुपए व्यय कर रही, इसकी वजह राशन डीलरों के स्वास्थ्य दुर्घटना पर बजट को खर्च करने का प्रावधान बनाए जाने की मांग की। जब तक सरकार राशन डीलरों की मांगों पर विचार नहीं करती तब तक वितरण कार्य नहीं किया जाएगा। 20 तारीख को हमारी प्रदेश कमेटी के द्वारा एक निर्णय लिया गया था कि 30,000 रुपए मानदेय 2% छिज्जत के लिए राशन डीलरों ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 31 तारीख तक हमने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि हमारी मांगों को अगर नहीं माना गया तो 1 तारीख से पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार रहेगा, हड़ताल रहेगी और राशन व्यवस्था बंद रहेगी। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए चिड़ाव तहसील में सभी डीलरों ने सर्वसम्मति से अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया है व धरना प्रदर्शन आज से सुचारू रूप से शुरू किया है। जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक अनिश्चितकालीन यह धरना प्रदर्शन